किस बैग में, किस बैग में वाटर कलेक्शन हुआ है वो चेक करना है, किसमें वाटर आया हुआ है वो एक प्रकार से चेक करना है। तो किसमें आएगा बताओ, मतलब ये जो कैक्टस प्लांट है उसका पानी, उसमें जो कैक्टस में जो पानी है वो उस प्लास्टिक बैग में आएगा, या लीफी जो प्लांट्स हैं उसका पानी कलेक्शन होगा। सोचो, ये ऑब्जर्वेशन करो और मुझे इस एक्टिविटी सभी ने करके मुझे बताना है, दिखाना है। आपने सभी ने जैसे सेम प्लांटेशन का आपने वीडियो भेजा है ना, वैसे वीडियो नहीं, इसके फोटोज मॉर्निंग में फोटोज निकालना है एक, और एक जब आप इवनिंग में एक फोटो निकालना है, और उसमें क्या क्या ऑब्जर्वेशन हो गया, मतलब क्या क्या चेंजेस हुआ है वो मुझे बताना है। मैं बताऊंगा क्या होता है मोस्टली, देखो फोटो में भी पिक्चर में भी जो कैक्टस प्लांट है ना, उस कैक्टस प्लांट को लीव्स है क्या, इसे ये स्टेम ही है, ये भी स्टेम है, ये भी स्टेम है, इसको ऐसे लीव्स है क्या, पत्ते है क्या, पत्ते क्या ऐसे नहीं, पत्ते ही नहीं रहते उसको, इस कैक्टस प्लांट को पत्ते ही नहीं रहते। ये क्या करता है कि ये कैक्टस कहां पर ग्रो होता है, डेजर्ट में होता है, डेजर्ट में पानी आता है क्या ज्यादा, स्कैर्सिटी ऑफ वाटर है, पानी की कमतरता है, तो नॉर्मली इसके रूट्स क्या हो जाएंगे, शॉर्ट रहेंगे या बड़े रहेंगे, बड़े रहेंगे, क्योंकि ये सर्चिंग ऑफ वाटर मतलब पानी के सर्च में इनकी रूट्स की क्या होती है, बहुत ज्यादा स्प्रे हो जाता है इनका, बहुत ज्यादा ग्रोथ होती है उनकी, क्योंकि उनको पानी की रिक्वायरमेंट है, पानी तो कम है, यहाँ पर पानी क्या कम है, इसलिए उनके रूट्स क्या होंगे, बढ़ेंगे ना जमीन में, वो अंदर बढ़ेंगे क्योंकि उनको पानी की जरूरत है, जहां जहां पर पानी मिल रहा है वहां वहां उनकी ग्रोथ होती जाती है। तो सबसे पहला कारण क्या, देखो अडेप्टेशन चेंजेस होते हैं रूट्स में, एक्वाटिक प्लांट्स में रूट्स छोटे रहते हैं, वो आपको ढूंढना है। अगर ये आपको समझ में आ गया तो वो समझ में आ जाएगा आपको, लेकिन इसके अपोजिट में डेजर्ट प्लांट्स में इनके रूट्स की ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है, बिकॉज उनको पानी का सर्चिंग करना है, सर्चिंग ऑफ द वाटर, दैट इज वाई द रूट्स ऑफ द कैक्टस प्लांट्स आर ग्रो डीप, मतलब बहुत अंदर तक उनकी ग्रोथ होती है। उसके बाद पानी नहीं है, पानी की कमतरता है, पानी बहुत कम है, इनकी जो स्टेम रहते हैं ना, इसके जो कैक्टस के स्टेम रहते हैं, ये वाटर को स्टोर करके रखते हैं, इस वाटर को स्टोर करके रखते हैं। जब भी आप ये स्टेम काटोगे ना, तो वैसे फ्लेशी मतलब पानी पानी दिखाई देता है। वही अपोजिट में अगर आप कोई भी लीफी मतलब जिसको बहुत सारे लीव्स है उसको काटोगे तो वहां पर पानी दिखाई देगा क्या, नहीं देगा। तो इट इज द डिफरेंस, सेकंड डिफरेंस इज फ्लेशी स्टेम रहता है इसको, ठीक है, फ्लेशी कलर मतलब पानी पानी या पानी स्टोर होने की वजह से वो एकदम फ्लेशी दिखाई देता है, ठीक है। उसके बाद इनको लीफी नहीं रहते, लीफलेस कहा जाता है, इनको लीफ रहते क्या, नहीं रहते, ठीक है, लीफलेस रहते हैं। उसके बाद लीफलेस नहीं होने की वजह से उनको कैक्टस को देखोगे आपको, इनको क्या रहते हैं, कांटे रहते हैं, नीडल्स रहते हैं, क्या रहते हैं इनको, कांटे, थोन, कांटे को क्या कहते थे, थोन, इनको कांटे रहते, कांटे रहते, ठीक है, क्योंकि ये कांटे क्या करते हैं कि इनमें से जो पानी निकलना चाहिए, इनमें से जो इवेपोरेशन होगा, कभी या थोड़ होने की वजह से, ये लीव्स होने की वजह से यहाँ से इवेपोरेशन होगा क्या, नहीं होगा, बराबर है, यहाँ से इवेपोरेशन होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि उनको लीव्स ही नहीं है, लीफलेस है, लीव्स नहीं है, कांटे है, तो यहाँ से इवेपोरेशन होगा क्या, इवेपोरेशन नहीं होगा, मतलब पानी मतलब अगर हम जो प्लास्टिक का जो कवरिंग बांधा है उसमें से पानी मतलब इवेपोरेशन नहीं होगा, मतलब पानी नहीं निकलेगा, तो वाटर कलेक्शन कहाँ पर कम होगा और वाटर कलेक्शन कहाँ पर ज्यादा होगा, यहाँ पर, समझ में आ गया, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, यहाँ तक किसी को डाउट्स है तो पूछ सकते हो, जितना भी होमवर्क जितना भी बताया गया है वो सभी नोट्स अच्छे से लिखना है, पॉइंट वाइज लिखना है, पूरा का पूरा किताब लिखना है नहीं लिखना है, ठीक है, और अच्छे से लर्न करना है। अगर यहाँ तक किसी को डाउट्स है, कोई समझा नहीं, तो आप पूछ सकते हो। सभी ने इस एडाप्टेशन इन द डेजर्ट प्लांट्स तक पढ़ना है, हर एक लाइन, हर एक वर्ड्स, ठीक है, और उसके बाद का भी मतलब जो अगला पेज है, पेज नंबर 3, वो भी पूरा पढ़कर उसके अच्छे से नोट्स निकाल कर रखना है, ठीक है, अगले क्लास में हम वो देखेंगे।